सभी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अभी कुछ टाइम बीच में कुछ कारण हम ऑनलाइन क्लास में रेगुलर नहीं रह पा रहे थे, और उसी के बीच में जब हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए आज फिर से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने एक नया चैप्टर कम्प्लीट कर लिया था और आज नया चैप्टर शुरू करने वाला है। आज हम शुरू करेंगे वो चैप्टर है ऑब्जर्वेशन। इसी को बोलते हैं अवलोकन। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन ये हमारा नया चैप्टर है। इसमें तीन पार्ट है, ऑब्जर्वेशन, अटेंशन और परसेप्शन। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मिलके एक चैप्टर कंप्लीट एक चैप्टर है। जैसे अभी लास्ट चैप्टर पर डाटा मेमोरी और फॉरगेटिंग, मेमोरी और फॉरगेटिंग मिला के एक चैप्टर था, उसी तरीके से अटेंशन, ऑब्जर्वेशन और प्रिपरेशन ये तीनों मिला के एक चैप्टर होता है। पहली चीज ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहते कैसे, नॉर्मल वे में हम यूज ले चुके हैं ये वर्ड जो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्व करना किसी को या ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, ये वर्ड लगभग सभी ने सुना है, सभी ने इसका अर्थ सुना है, तो लगभग सभी को इसका अर्थ भी पता है। तो क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा इजी होने वाली है, क्योंकि ये जो वर्ड आए पहला आता है ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वर्ड क्या आता है ऑब्जर्वेशन, इसी का यूनिट का अगला जो पार्ट आता है वो आता है अटेंशन, इसी का जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है परसेप्शन। ठीक है, ये तीनों में से एक यूनिट होती है। पहली चीज ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं अवलोकन करना। ठीक है, अवलोकन, अवलोकन का मतलब क्या होता है वो आपको हम अभी चैप्टर शुरू करने में बता देंगे। दूसरा आता है अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान। ठीक है, किसी भी चीज में फोकस वो होता है अटेंशन। तीसरा परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रिय बोध, परसेप्शन का मतलब होता है इंद्रिय बोध। ये वर्ड है साइकोलॉजी का जो पढ़ना डिफिकल्ट है, इजी वे भी याद नहीं रहता है। मैंने आपको पहले बोला था इसमें हिंदी के वर्ड कुछ ऐसे होंगे जो आपको ढंग से समझ नहीं आएंगे, परंतु आपको ये परसेप्शन वर्ड सुना हुआ होगा, इसी के आधार पर आपको जो नॉर्मल वे में इसके लिए याद नहीं रहते वो यूज देने वाला शब्द होता है पहचान। किसी भी चीज की पहचान करना परसेप्शन। अब क्योंकि ये तीन एक दूसरे से क्या होते हैं मिले हुए होते हैं, कहीं भी जाते हैं एक को पढ़ते हैं बाकी दोनों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप किसी का पहचान करना चाहते हो तो पहचान कैसे करोगे, उसका ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑब्जर्वेशन करके उसके पूरा अटेंशन के साथ ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसकी पहचान होगी। ऑब्जर्वेशन में अटेंशन जरूरी होता है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या है कमांड होते हैं, तीनों को एक यूनिट में रखा हुआ है। ठीक है, पर आज पूरी यूनिट का है तीनों यूनिट के से ये लेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है अवलोकन करना या कि अवलोकन। तो पहले आती है बात ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन की, किसकी ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन या इसको क्या बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन की परिभाषा। परिभाषा में हम क्या लिखते हैं, किसी भी घटना या व्यक्ति, किस कोई भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या घटना विशेष की सेंस ऑर्गन द्वारा सूक्ष्मतम निरीक्षण करते हुए निष्कर्ष निकालना ही क्या कहलाता है ऑब्जर्वेशन। देखो क्या होता है, किसी भी घटना, वस्तु आदि का सेंस ऑर्गन द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए निष्कर्ष निकालना, इसी को क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई भी घटना है, वस्तु है, उसका क्या करना सेंस ऑर्गन द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण करना, और उन निरीक्षण से जो निष्कर्ष निकलते हैं उस निष्कर्ष को क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो एक वर्ड आता है सेंस ऑर्गन, लगभग मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, फिर भी क्या है कि किसी को कुछ पता ना हो इसलिए मैं बता देता हूं। हमारे शरीर में टोटल कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, पांच। कितने होते हैं, पांच।
कान और नाक, ये पांच सेंस ऑर्गन होते हैं, जीभ, त्वचा, आंख, कान और नाक। ठीक है, ये पांच क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन। इन पांच सेंस ऑर्गन से कुछ सूचना हमें मिली, उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद हमने जो निष्कर्ष निकाला उस निष्कर्ष को ही क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। यहां तक आ जाती है ऑब्जर्वेशन, डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन दोनों साथ में। इसका अलग से इंट्रोडक्शन भी यही होता है, डेफिनेशन भी यही, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जब हम पहचान के लिए परिचय करते हैं तो यही होता है ऑब्जर्वेशन। क्या करना? पहचान करना। परिभाषा, किसी भी घटना या वस्तु आदि का सेंस ऑर्गन द्वारा दो चीजें सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए, किसके द्वारा? सेंस ऑर्गन द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए निष्कर्ष निकालना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। यहां तक चीज क्लियर हो गई? ठीक है, यह था ऑब्जर्वेशन के बारे में डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी वस्तु या घटना का सेंस ऑर्गन द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उसका निष्कर्ष निकालना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसके बाद आती है इनकी विशेषताएं। विशेषता में क्या आता है? पहली बात आती है ऑब्जर्वेशन की विशेषता। पहली चीज, ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके सेंस ऑर्गन द्वारा सूचना को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, जो दूसरी चीज आती है पहली क्या, सेंस ऑर्गन द्वारा सूचना को एकत्रित किया जाता है, संवेदी अंगों द्वारा सूचना को एकत्रित किया जाता है। यह अभी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है संवेदी प्रक्रिया है, जिसे संवेदी अंग में आ रहे हैं तो प्रक्रिया कैसी होगी? संवेदी। कौन से काम में आ रहे हैं? संवेदी काम आ रहे हैं, प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? संवेदी हो जाएगी। ठीक है, तीसरी आती है, यह एक तथ्यपरक और विश्वसनीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तथ्यपरक और विश्वसनीय। क्यों विश्वसनीय? क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाला होता कौन है? हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। किसी का निष्कर्ष अगर हम खुद निकालते हैं, किसी वस्तु का निष्कर्ष निकालने वाले हम खुद होते हैं, तो हमें वो कैसे लगती है? तथ्यपरक लगती है। और दूसरी बात, विश्वसनीय, खुद पे तो विश्वास सबको होता है। ठीक है, खुद पे विश्वास होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। दूसरा कोई भी कुछ भी बोले, हमने जो देखा वो सही है, उसके बारे में कितना भी बोले, क्योंकि हमें खुद पे विश्वास होता है। क्यों? उस कंडीशन जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, यह है विश्वसनीय। उसके बाद आता है नंबर चार। नंबर चार में क्या आता है? ऑब्जर्वेशन के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से? पहला होता है अटेंशन। ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले हमने शुरुआत में बताया था। दूसरा परसेप्शन। ये दोनों पार्ट भी इसके मुख्य विशेषताओं में से एक होती है। तो पहली चार विशेषता कौन सी? संवेदी अंगों की विशेषता। पहले क्या होता है? इसमें जो प्रक्रिया होती है संवेदी अंगों द्वारा होती है। दूसरी, ये प्रक्रिया कैसी होती है? संवेदी प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम खुद अपने संवेदी अंगों द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए विश्वसनीय होती है। और जो इनके दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो होते हैं अटेंशन और परसेप्शन। ठीक है, यहां तक हो जाती है ये इसकी विशेषता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखते हैं? देखते हैं ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला आता है प्रेजुडिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं पूर्व मान्यताएं। क्या बोलते हैं? पूर्व मान्यताएं। कुछ मान्यता जो पूर्व से हमने किसी में मान्यता बना रखी है, धारणा बना रखी है, वो हमें ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करती है। जैसे जैसे किसी लड़के की आपसे पहले से लड़ाई हो रखी है, ठीक है, उस लड़के के बारे में आपको पता था या नहीं था, थोड़ा बहुत जानते थे, पर अब क्या हो गया? लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई होने के बाद ये क्या होगा? अब इससे तो आपको क्या हो गई ना, लड़ाई हो गई ना, अब आपको बोलते हैं उस आदमी, उस लड़के के बारे में आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको सिर्फ कमी ही कमी नजर आएगी, मतलब उसकी आपसे लड़ाई हो रखी है, आपको नहीं बनती है,
तो आपको नेगेटिव में नजर आएंगे। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन में पक्षपात। जिस कंडीशन में हमें पूर्ण मान्यता है, पूर्ण धारणाएं आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जर्वेशन से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो धारणाएं हम हमारे ऑब्जर्वेशन में परेशानी उत्पन्न करती है, जिसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पक्षपात होता है। नंबर दो पे आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या इसको क्या बोलते हैं, रुचि। किसी ऑब्जर्वेशन में आपकी रुचि है, दो कंडीशन, पहली कंडीशन रुचि है, दूसरी कंडीशन रुचि नहीं है। एक में रुचि नहीं है, दूसरे में रुचि है, तो बताओ ऑब्जर्वेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग होगा। जिनमें रुचि नहीं है उसका ऑब्जर्वेशन इतना सटीक नहीं होगा जितना कि जिसमें रुचि है उस ऑब्जर्वेशन में होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर रुचि है तो आप उसको बड़े इंटरेस्ट से, बड़े चाव से करोगे, खुद मन लगा के करोगे। जिसमें आप रुचि नहीं है, एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, इस तरीके से बिना रुचि के ऑब्जर्वेशन करने में हमेशा क्या रहती है, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। नंबर तीन आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का क्या कार्य होता है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। वह इच्छा शक्ति जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। जैसे देखो ये एक व्यक्ति है, इसको एक ही काम दो तरीके से करने को बोले, पहली बार इसको कोई मोटिवेशन करे नहीं, काम करने को बोला, काम करने उसने ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करने को बोला, ऑब्जर्वेशन किया, परंतु दोबारा ऑब्जर्वेशन करने के लिए सेकंड सिचुएशन में उसी को ऑब्जर्वेशन करने को कहा, परंतु उस कंडीशन में उसको मोटिवेट किया गया, उसको अभिप्रेरित किया गया, तो वो उस प्रेरणा से ऑब्जर्वेशन करेगा। इसमें कहीं ना कहीं इससे इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। किसी भी काम को हम अगर लगन से करते हैं, किसी विशेष गोल को हिसाब से करते हैं, तो वो नॉर्मल की अपेक्षा अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे अब आप जैसे कुछ टाइम पहले पढ़ते थे और एग्जाम से कुछ टाइम पहले पढ़ते हो, ठीक है ना, एग्जाम से साल भर पहले क्लासेस शुरू हुई, पढ़ाया, आपने पढ़ना शुरू किया, इतना अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इतना अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाए जितना कि आपका जो ऑब्जर्व मोटिवेट है एग्जाम के टाइम, जो आप मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए, पास होने के लिए जो मोटिव होते हो उसमें पढ़ते हो। ये होता है, आप नॉर्मल क्लास में पढ़ रहे हो, कुछ याद हुआ नहीं हुआ, एग्जाम में वही नोट्स वापस वही आपके नोट्स पढ़ोगे जल्दी याद होता है। क्यों होता है, उसके पीछे आपको मोटिव होता है पास होने का, तो वो मोटिवेट आपको मोटिवेट करता है आपको पास होने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव रहती है, आपका ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छा रहता है। ये हो गया मोटिवेशन। चौथा होता है एक्सपीरियंस, आपका अनुभव। किसी कार्य को आपको किसी कार्य में आपका पहले से भी अनुभव है, उस अनुभव के जरिए आप कार्य कर रहे हो, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, प्रभावित होगा। जैसे अगर आप हॉस्पिटल, तो आप 2 महीने ड्यूटी की हॉस्पिटल गए, इंजेक्शन वार्ड में काफी लॉन्ग टाइम तक ड्यूटी की आपने, अच्छी खासी ड्यूटी करने के बाद जब आप वापस आते हो, तब आपको कुछ टाइम बाद काफी सारा इंजेक्शन में से पूछ लिया कि बुखार मलेरिया की कंडीशन में आपको इंजेक्शन लगाओगे, आपका अनुभव है, आपने मलेरिया के पेशेंट को कौन कौन से इंजेक्शन लगाए हैं, तो वो अनुभव आपको उन सारे इंजेक्शन में ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपका अनुभव क्या करता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करने में आपको क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, नंबर चौथा समझ में आया। पांचवा है अटेंशन। अटेंशन का मतलब ध्यान। ये सभी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ध्यान। ये बात हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, हर कंडीशन में लर्निंग बता था कहीं, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। किसी भी काम को आप सीख रहे हो उसमें आपका ध्यान नहीं है, सीख पाओगे क्या, नहीं सीख पाओगे। किसी भी काम को ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान नहीं है, ऑब्जर्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पा रहे हो। आप ये ऑनलाइन क्लास आज देख रहे हो, ठीक है, फोन लेके बैठे हो, वो भी इस तरह से कि मम्मी पापा डांटेंगे, फोन लेके क्लास बोले उन्हें क्लास चल रही, पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु आपका ध्यान फोन में है ही नहीं, तो आपको जो पढ़ाया वो समझ में आएगा नहीं आएगा। क्यों, ऑब्जर्वेशन के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, किसी भी काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ध्यान। जब आपका ध्यान पूरा फोकस्ड होगा, आप ध्यान केंद्रित होगे, तभी वो चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तभी क्लास में बोलते पढ़ाते जब बोलते सभी ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के देखो, ये करो वो सब ध्यान क्यों कहते हैं,
क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है जो आपके ऑब्जर्वेशन में इफेक्ट करती है, इफेक्टिव करती है, जो आपको पढ़े हुए चीज को समझने में आसान करती है। नंबर पांचवा पॉइंट था ग्राम। लास्ट पॉइंट है यूज ऑफ